हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ टू कवर योर अंडर आई डार्क सर्कल्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको उसे शेयर किया था हाउ टू मेक योर मेकअप किट फॉर एवरीडे यूज़। उस वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम है या फिर आपके चेहरे पर एक्ने मार्क्स है, तो फाउंडेशन स्टिक की जगह आपको एक अच्छा कंसीलर यूज़ करना चाहिए जो कि अच्छा खासा कवरेज देता हो आपको। और अगर आपको इनसे भी प्रॉब्लम है तो आपको फाउंडेशन स्टिक के बजाय एक कंसीलर यूज़ करना चाहिए। तो कंसीलर यूज़ करने से पहले अगर आपको डार्क सर्कल्स है, एक्ने मार्क्स है, उसे हमें कवर करना है विद अ ऑरेंज करेक्टर। ना ऑरेंज करेक्टर हम क्यों यूज़ करते हैं? ऑरेंज करेक्टर जो चेहरे पर डार्कनेस होता है, अंडर आई डार्क सर्कल्स, एक्ने मार्क्स का जो कालापन होता है, उसे न्यूट्रल कर देता है। अगर आप डायरेक्टली डार्क सर्कल पर कंसीलर लगाओगे तो आप लोगों को बहुत टाइम देखा होगा आप लोगों ने कि वो ग्रेइश लगता है। बट अगर आप एक ऑरेंज करेक्टर अप्लाई करके उसके बाद एक कंसीलर लगाओगे तो जो बिल्कुल आपका कंसीलर है वो बिल्कुल आपके स्किन टोन से मैच करेगा और थोड़ा सा भी ग्रेइश आपके आंखों के नीचे नहीं लगेगा। तो मैं यूज़ करती हूँ एलेगर्ल प्रो कंसील, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा कंसीलर है फॉर अंडर आई डार्क सर्कल्स। इसका जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल मुझे परफेक्ट लगता है फॉर इंडियन वेदर एंड इंडियन स्किन। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई, जब भी आप ये सभी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो जैसे कि करेक्टर, कंसीलर, उससे पहले आपको स्किन केयर अच्छे से करना चाहिए। अभी क्योंकि समर का टाइम है, हॉट ह्यूमिड वेदर ऑलरेडी है, तो एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र जो आपके स्किन को, अंडर आइज़ को अच्छे से मॉइस्चराइज करे, अच्छा सा एक मॉइस्चराइज़र आपको पहले यूज़ करना चाहिए। इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ कलर करेक्टर के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर। थोड़ा सा ही कंसीलर अप्लाई करना है, थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करना है, उससे आप बिल्ड कर सकते हो प्रोडक्ट को। तो जैसा मैंने बताया, मैं एलेगर्ल प्रो कंसीलर यूज़ करती हूँ और मेरा शेड है प्योर बेज। नाउ कंसीलर का शेड आपको कैसे पता चलेगा? कंसीलर जो फर्स्ट कंसीलर आप आपके आँखों के नीचे यूज़ करते हो वो बिल्कुल आपका एग्जैक्ट स्किन टोन होना चाहिए, मतलब आपके स्किन टोन का जो एग्जैक्ट मैच हो उसी कलर का कंसीलर आपको यूज़ करना चाहिए। बहुत से लोगों को लगता है कि अंडर आइज़ थोड़ा ब्राइट हो जाएगा तो थोड़ा सा लाइट कंसीलर ले लेते हैं एक दो शेड, बट वो मेरे हिसाब से वो उतना अच्छा नहीं दिखता है और फ्लैशबैक भी देता है फ़ोटोज़ वगैरह में। तो जो पहला कंसीलर आप यूज़ करें वो आपका एग्जैक्ट मैच होना चाहिए और वो बहुत अच्छे से करेक्टर के साथ ब्लेंड भी होता है और एक नेचुरल फिनिश देता है। ना अगर आपको हाईलाइट करना है आपका अंडर आई एरिया, तो फर्स्ट कंसीलर यूज़ करने के बाद जो सेकंड कंसीलर है वो आप एक हाईलाइटिंग कंसीलर यूज़ कर सकते हो जो कि आपके स्किन टोन से एक दो शेड हल्का हो सकता है। और यहाँ आप नोटिस कर सकते हैं कि जो सेकेंड कंसीलर है उसे मैंने एग्जैक्टली आँखों के नीचे नहीं, थोड़ा सा नीचे मैंने अप्लाई किया, उससे उसको स्प्रेड करने में आसानी होता है। और जब भी आप ब्रश से कंसीलर को स्प्रेड करें या फिर ब्यूटी ब्लेंडर से, आपको टैपिंग मोशन में स्प्रेड करना है, स्वाइप नहीं करना है। इस तरीके से जो कंसीलर है वो अच्छे से ब्लेंड होता है और एक बहुत ही नेचुरल फिनिश आपको मिलता है आपके आंखों के नीचे। आप देख सकते हो जो मेरा राइट साइड है वो ऑलरेडी ब्राइटर दिख रहा है लेफ्ट साइड से। इसके बाद आता है अंडर आइज़ को सेट करना। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक वाइट ट्रांसलूसेंट पाउडर। अगर आपको आइज़ का, अंडर आई एरिया को ब्राइट दिखाना है तो आप एक वाइट ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ करें। बट अगर आपको मतलब आपका स्किन टोन ही चाहिए, तो मतलब नेचुरल लगे ऐसा लुक चाहिए, तो आप आपके शेड का कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और ट्रांसलूसेंट पाउडर जब भी आप यूज़ करें तो ऐसा एक राउंड ब्रश की मदद से बहुत ही जेंटली अंडर आई को आप सेट करें, क्योंकि जो कंसीलर हमने लगाया है आँखों के नीचे उसे हमें थोड़ा सा भी मूव नहीं करना है। इस तरीके से आपको बिल्कुल नेचुरल एक फिनिश मिलेगा। सो दिस वॉज माई शॉर्ट ट्यूटोरियल हाउ टू कवर योर डार्क सर्कल्स।
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई विल सी यू गाइस सून।